चने घूमती थी। अब जब यहाँ ससुराल में आएगी तो क्या पहन कर आएगी? साड़ी। साड़ी पहन करके आएगी। और जब साड़ी पहन करके आएगी तो साथ में क्या निकालेगी? घूंघट निकालेगी। अब घूंघट काय के लिए निकालते हैं? शर्म, शर्म में आती है। काय के लिए? तेरी शादी हो गई क्या? कह रहा हूँ कोई नहीं काटे, सड़क पे देखा, देख लो महिला बैठी है, देख लो सब घूंघट काट के दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, आपके यहाँ नहीं काटते अच्छी बात हो तो मुझे मालूम पड़ जाएगा, मैं कल बात करूंगा आप सभी, सुबह मालूम पड़ जाएगा कौन काटती है कौन नहीं काटती है। नहीं सभी काटा है तो सभी काटती है ना, इनकी घरवाली नहीं काटती होगा। सबसे बड़ा चलो कोई बात नहीं, होता क्या है बीबी हम अच्छी खूबसूरत पसंद करते हैं, अच्छी बीबी लाना पसंद करते हैं। तो आप मुझे बताइए आपकी बीबी आपकी बहू क्या आपकी बेटी जब वहां से अपने मायके में से ससुराल में आती है तो यहाँ घूंघट को लेती है काय के लिए? मान मर्यादा और इज्जत के लिए, होता है सही? दादा मान मर्यादा के लिए लेती है। ये पगड़ी हम लोगों ने पहन रखा किसी गिने चुने लोगों ने काय के लिए पहन रखा? काय के लिए? मान सम्मान और इज्जत के लिए, क्या नहीं? जब हम लोग एक पगड़ी पहनने में मान मर्यादा इज्जत को मानते हैं, एक बहू को घूंघट डलाने में मान मर्यादा इज्जत मानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानना, और बुरा भी मानोगे तो तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्या नहीं? और जिसको मानना हो अभी जाना सामने। होता क्या है जब आपकी जवान बीवी आपकी जवान बेटी आपकी जवान बहू अगर घूंघट नहीं डालती है तो आपकी मान मर्यादा आपकी प्रतिष्ठा खत्म होती है, आपकी शान खत्म होती है। मैंने जिस व्यक्ति से नाम पूछा पता अपने नाम क्या के बताता है पाल साहब लिख रखा। मुझे बताइए आप लोगों ने मकान बहुत अच्छे अच्छे बना रखे हैं, लेकिन आपकी वही बेटी आपकी वही बीबी आपकी वही बहू खुले में शौच करने के लिए जाती है और जिस चीज को ढकना चाहिए अगर उसको खुले में करके बैठती है तो मुझे बताना आप लोग कि आपकी मान आपकी मर्यादा आपकी प्रतिष्ठा कहाँ रह जाती है? ये ताली बजाने वाली बात नहीं, आप लोगों को चल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। एक विचार करना आप इस बात को पर, हम लोग जब शादी ब्याह रचा के लेकर आते हैं हजारों लाखों 33 करोड़ देवी देवताओं को सामने रख करके और इस बात का प्रण करते हैं शपथ खाते हैं कि मैं इसके मान सम्मान मैं इसकी प्रतिष्ठा मैं इसकी इज्जत का ख्याल करूंगा और इसके सुख दुख में काम आऊंगा, खाते हैं हम ये कसम? लाखों करोड़ों देवी देवताओं को सूर्य देवता अग्नि देवता गणेश देवता सारे जमाने भर के देवी देवताओं को निमंत्रण देते हैं और शादी ब्याह रचाते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि जब अब हम एक पगड़ी को हमारी शान मानते हैं एक घूंघट डालने को हमारी इज्जत मर्यादा मानते हैं, एक पढ़ी लिखी अच्छी शिक्षित एजुकेटेड बहू आप ढूंढ करके लेकर आए हो, हमने उस पढ़ी लिखी बेटी का आप उसके विवेक को नष्ट करते हो उसके विवेक को मारते हो और उससे आप घूंघट डलवाते हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वही बेटी वही बहू जब खुले में शौच करने के लिए जाती है सारे जमाने भर के लोग और निकलने फिरने वाले उसका पिछवाड़ा देखते हैं तो आपकी मान आपकी मर्यादा आपकी प्रतिष्ठा कहाँ रह जाती है, जरा बताइए मुझे, विचार करना आप लोग इस बात के ऊपर। अगर हम जरा सी कोई बात अगर हमारे घर के ऊपर कहीं कह दे तो हमारी मान मर्यादा कम हो जाती है, हमारी बेटी को अगर कोई छेड़ दे तो मान मर्यादा कम हो जाती है। कई बार आप लोगों ने घटना सुनी होगा कि मैं तुझसे मिलने आई टट्टी जाने के बहाने कई लड़कियां फुर हो जाती है आज तक भी वापस लौट करके नहीं आती है, कई बार आपने घटना सुनी होगा कई बहुएं पता नहीं किसके साथ भग गई जो आज तक लौट करके नहीं आई। अगर आप ओरिजिनलिटी में मर्द हो अगर अपनी शान अपनी माँ अपनी मान बेटी अपनी बेटी को अगर अपनी शान मानते हो आपकी जरा सी बात में खड़ा अगर आपकी लड़की को आपकी बहू को अगर कोई छेड़ दे तो आपकी रोगों में बहने वाला खून उबाल मार जाता है और डंडा लेकर के आप लोग सामने आ जाते हो और जैसे डंडा लेकर के आते हो और लड़ते झगड़ते हो लाख 2 लाख रुपए आप लड़े झगड़े में बिगाड़ देते हो। कई बार आपने घटना सुनेगा फलाने की बहू के फलाने की बेटी
लेटरिंग करने के लिए गए और पता चले किसी व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसके साथ जुबा झटकी हो गई, घटी होगा ऐसी घटना है? क्या नहीं घटी है? कई बार पेपर में टीवियों में पढ़ते देखते हम लोग, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप ओरिजिनलिटी में मर्द हो और आपकी बेटी आपकी बहू खुले में शौच करने के लिए जाती है तो आपकी रगों में बहने वाला लहू उबाल क्यों नहीं मारता? आपकी रगों में बहने वाला खून इस बात का गवाह क्यों नहीं देता कि मेरी बेटी मेरी बहू खुले में शौच करने के लिए जा रही है और उसकी इज्जत बाहर दिख रही है? क्या इसी दिन को देखने के लिए आप अपनी बीबी को लेकर के आए थे कि यही दिन देखने के लिए आप अपनी बेटी को जवान किया आप लोगों ने? आप घर में टीवी लेकर आते हो किसी से पूछते हो क्या? घर में मोटरसाइकिल लेकर आते हो किसी से नहीं पूछते हो? आपके पड़ोस में अगर जमीन बिकेगी तो आप तुरंत खरीदने के लिए तैयार हो जाते हो, आपके जेब में पैसा नहीं है, आप आज के टाइम पे आपके जेब में पैसा जाएंगे जमीन के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से यही बात कि सारे जमाने के लोग आपकी बेटी का पिछवाड़ा देखते हैं, आपकी बहू का पिछवाड़ा देखते हैं, तो बताइए आपकी इज्जत आपकी मान आपकी मर्यादा आपकी प्रतिष्ठा कहाँ चली जाती है? जिस बीबी को हम ब्याह कर लेकर आए, जिस बेटी को हमने ब्याह किया, उसके लिए हम लोग कहते हैं आज के टाइम पे कि साहब सरकार पैसे नहीं देती, सरपंच मंत्री पैसे खा गए। अरे आप बताइए आपने बेटी अपनी पैदा की तो किसी सरपंच मंत्री के लिए की क्या? आप अगर बहू ब्याह करके लेकर आए तो किसी सरपंच मंत्री से पूछ के लाए हो, किसी सरकारी आदमी से पूछ के लाए हो क्या? या फिर हम लोग ऐसा मान लेगा आप लोगों ने शौक पूरा किया और गलती से तुम लोगों के बच्चे पैदा हो गए, ऐसी बातें है क्या? दोस्तों हमने जो भी किया सब कुछ हमारे स्वार्थ के लिए, हमने हमारे लिए किया, लेकिन पता चले कि आज जब हमारी बेटी की इज्जत की बात आती है, हमारी बहू की इज्जत की बात आती है, तो हमारी मान मर्यादा हमारी प्रतिष्ठा मानते हम लोग घूंघट में। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों आप लोगों से कि बताइए सरकार से कब तक अपेक्षा रखेंगे हम इस चीज के लिए? अरे आप लोग ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हो यार, मैं आप लोगों को किसी को दुखी करने के लिए नहीं आया हूँ यार, सब आप मेरे बड़े भाई की तरह, आप मेरे पिता तुल्य हो, मेरी माँ की तरह, मेरी बहनों की तरह हो आप लोग। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम लोग खुले में जा रहे हैं, इससे अच्छा कि हम लोग अगर एक गड्ढा घर के अंदर खोदे, और गड्ढा खोद के हम बड़े पदवी में क्यों पड़े यार? क्यों लाखों रुपए लगाए कि नहीं साहब सोखता गड्ढा नहीं, हम तो वो बहना वाला ही बनाए कि टैंकी बनाए। आप ज्यादा मत करो, एक चार भाई चार का गड्ढा खोद लो, चार भाई चार का गड्ढा खोद के पूरा नहीं ईंटे पत्थर को जोड़ करके, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरी स्वयं की कंडीशन बता रहा हूँ, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरा कोई सक्षम परिवार नहीं, नौकरी तो आज लगी हम लोगों की, मैंने खुद ने मतलब अपनी मेरी बीबी को एक बार मैं खुले में लेटरिंग करने के लिए जा रही थी, ध्यान नहीं रहा उसको और कोई व्यक्ति एकदम मोटरसाइकिल लेके पीछे से आ गया, बस उसी दिन आकर के मेरे ऊपर खिसक ली कि मुझे घर में शौचालय चाहिए, नहीं तो आज ही मायके चली जाऊंगी मैं। मैंने खुद ने मेरे हाथ से गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद करके पूरा नहीं ईंटे पत्थर मैंने जमा करके वो गड्ढे को ऊपर लेकर आया, मैं 300 रुपए की दो पट्टी लेकर आया, 300 रुपए की एक सीट लेकर आया और 50 रुपए का लेकर आया मैं मुर्गा, और ला करके 300 रुपए की एक सीमेंट की बोरी लेकर आया और नाले में से रेती निकाली मैंने खुद ने मेरे हाथ से, और 6 तगरी मैंने गिट्टी दूसरे से उधार ली थी, उसी में मैंने मेरे शौचालय का निर्माण कर लिया, और मैंने मेरी जो घरवाली की पुरानी साड़ियां पड़ी थी वो साड़ियां आसपास बांध दी और एक पल्ली बांध दी सामने पर्दे के रूप में, और आज भी हम लोग उसी शौचालय में लेटरिंग करने के लिए जाते हैं। आज मेरे पास में थोड़ा पैसा है, मैंने कुछ ईंटें खरीद ली और ईंटें खरीद करके हम लोगों ने क्या ईंटें जमा रखी, आज भी वो दुर्गेश है उसने मेरा मकान देखा है, पूछ लो आज भी मेरे घर में पक्का मकान नहीं बना है मेरा, अभी छत डालना बाकी है, लेकिन वो शौचालय मेरा आज भी उस ईंटों का उस पल्ली का बंधा हुआ शौचालय है मेरा। तो बताइए हम लोग इतना नहीं कर सकते क्या भाई? थोड़ा तो ख्याल करो यार अपनी मान मर्यादा का, अपनी बेटी का तो ख्याल करो कम से कम यार, किसी ने हाथी पकड़ लिया तो क्या जवाब देंगे हम? और इतना भी अगर नहीं कर सकते हो तो मेरे भाइयों मेरी बहनों कम से कम इतना तो कर लो, आप लोग के खुले में लेटरिंग करने के लिए जाओ, और जब तक आपके घर में शौचालय नहीं बने तो थोड़ा सा मिट्टी लेकर के जाओ, टट्टी करो और मिट्टी डालो। आपने देखा होगा एक बिल्ली को देखोगे, बिल्ली कहाँ आती है, कहाँ आती है, माता जी बताएगी कहाँ आती है,
कहाँ? चूल्हे में। वेरी गुड। कहाँ अंकती है? एक बिल्ली चूल्हे में अंकती है और चूल्हे में अंकने के बाद क्या करती है? उसको ताड़ी करते ऊपर। ताड़ी कर देती, मतलब उसको ढक देती है। अब बताइए, एक जानवर हमसे ज्यादा समझदार है कि चूल्हे में अंकता है और उसको ढक देता है, लेकिन हम इंसान होने के बावजूद में भी इतने बड़े बेशरम हो गए कि खुले में अंकता और खुला छोड़ देते हैं। हम ज्यादा नहीं करे, कम से कम थोड़ी सी मिट्टी भरा, और मिट्टी भर करके अगर हमने उसको ऊपर डाल दिया तो कम से कम वो मक्खियां उस लेटरिंग पे नहीं बैठेगी, और वो मक्खियां उड़ करके आपकी रोटी तक नहीं आएगी। गलत है क्या? आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपके बच्चे बीमार नहीं होंगे, आपको हॉस्पिटल में पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं, हाँ या ना? एक साथ बोलिए जरा सब लोग, हाँ या ना? अब मैं वास्तविकता में इस गांव में ना 10 दिन की बात और कह रहा हूँ आप लोगों से कि ओरिजिनल मर्द वही होगा जो 10 दिन के अंदर अपने घर में शौचालय बना लेगा, बल्कि सब व्यक्ति ना मर्द से कम नहीं है। हम लोगों से तो वो इंजड़े अच्छे हैं यार, कि जिनके घर में घर घर शौचालय बने हुए, इंजड़ों के घर में शौचालय बने यार, बताइए आप लोग। तो हाँ ये ना बताइए, बनाएंगे कि नहीं? और अगर मैं तो ये मानता हूँ कि अगर ओरिजिनल मर्द है, हम तो आज रात से गड्ढा खोदना स्टार्ट कर दो, और आपकी मान आपकी मर्यादा की अपना ख्याल रखो, तो कैसे भी करके शौचालय का निर्माण कर लो। तो एक साथ सभी लोग खड़े हो जाइए मेरे साथ में, आप लोग हो जाइए पास में जाओ एक साथ हाथ खड़े कीजिए सभी लोग, एक हाथ खड़े कर लो, थोड़ा सा इधर जगह छोड़। मैं जैसे बोलूं वैसा, क्यों तुम लोग नहीं करना चाहते हो क्या? एक एक हाथ खड़े करो। अब मैं जैसे बोलूं वैसा बोलना। आज हम सब लोग भगवान के मंदिर के सामने खड़े होकर भगवान को साक्षी मानकर इस बात की शपथ लेते हैं कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी की इज्जत के लिए अपने घर में 10 दिन के अंदर शौचालय बना लूंगा। ठीक है, बनाओगे ना? जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। अरे भाई तू ऊंचा कर रहा है। बढ़िया बढ़िया, साफ कर देना, सुबह से काम चालू। और सर एक और थोड़ी विनती है।